तो आज हम लोग पढ़ेंगे शोर चिकित्सा, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो ये दो लेक्चर में होगा। तो आज हम लोग इसका पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चरक में शोर को चिकित्सा 12 में डिस्क्राइब किया है। सूक्ष्म में जो शोर का वर्णन किया है वो शल्य पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, थोड़ा सा सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे, समय लगेगा तो हम वो भी बताएंगे यहाँ आपको। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं चरक चिकित्सा 12 और कुछ काय चिकित्सा प्रकरण जो भी एक्स्ट्रा आएगा चरक से अतिरिक्त वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ लिखा है शोथ, साथ में लिखा है इडिमा। सिर्फ इडिमा ही नहीं, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है शोथ का मतलब, है ना। शोथ का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। यहाँ इडिमा लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आचार्य चरक ने इसको इम्पोर्टेंस देते हुए सूत्र 4 में शोथ हर महाकषाय का ही अलग से वर्णन कर दिया है, वहां पर उन्होंने जिसमें दशमूल के द्रव्य रखे गए हैं, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। इन 10 द्रव्यों को मिला के 5-5 10 द्रव्यों को मिला के दशमूल कहते हैं, और उन दशमूल के द्रव्यों को शोथ हर महाकषाय में चरक ने रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है लगभग 184 रोगों में यह पूर्व रूप, रूप या उपद्रव के रूप में मिलता है, और आचार्य चरक ने इसको अलग से व्याधि के रूप में भी यहाँ पे वर्णन किया है, है ना। इसको शोयथु भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ शोयथु, है ना, और सामान्य लेमन की लैंग्वेज में जैसे हम लोग इसको सूजन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन यहाँ जो अभी हमने शब्द एक प्रयोग किया है तो ये यहाँ भी ये कह रहे हैं, इसके विपरीत जो व्रण शोथ होता है उसको इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं। व्रण शोथ को में पाक की प्रवृत्ति होती है एवं दोष त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ एवं मर इन अष्ट व्रण वस्तुओं को दूषित करते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब शोथ जो है एडिमा है और इन्फ्लेमेशन को इन्होंने व्रण शोथ कहा है, जिसमें जो है दोष जो होते हैं त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म इन 8 पुराण वस्तुओं को दूषित करते हैं। जैसे हम लोगों ने उन्माद में 8 दूष्य पढ़े थे मनोभाव, वैसे ही पुराण शोध में ये 8 चीजें जो है दूषित होती हैं, ठीक है। अनेक आचार्यों ने निज कारणों से उत्पन्न अवस्था को शोध तथा आगंतुक कारणों से उत्पन्न पाक युक्त उपसेद को व्रण शोध या इन्फ्लेमेशन कहा है। यहाँ पे व्रण सॉरी शोध और व्रण शोध में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। ये निज कारणों से मतलब दोषानुसार, दोषानुसार जो उत्सेद मतलब स्वेलिंग कहते हैं, उत्सेद मतलब उभार रहे, जो उठा हुआ भाग रहे शरीर में उत्सेद उसको शोध कर रहे हैं, और आगंतुक कारणों से पाक युक्त उत्सेद को व्रण शोध कर रहे हैं। आगंतुक मतलब ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ ऐसे कारणों से अगर कहीं पे घाव हो जाए और उसमें पाक उत्पन्न हो जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, व्रण शोध, ठीक है। व्रण शोध की चिकित्सा में 7 उपक्रम बताए हैं सुश्रुत ने, वो जब हम लोग वो लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आदव विमलापनम ऐसे करके वहां पे है तो उसको बताएंगे अभी लास्ट में। रेफरेंस देखते हैं शोध कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। फिलहाल अभी तक इतना हमने बताया आपको, यहाँ पे व्रण और व्रण शोध दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्रण क्या है और व्रण शोध क्या है। फिर इसके बाद संहिता ग्रंथों में कहाँ कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन आया है। चरक सूत्र 18 में आया है, ठीक है ना। चिकित्सा 12 में जहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे। सुश्रुत चिकित्सा 23 में आया हुआ है। अष्टांग हृदय निदान 13 में आया है। चिकित्सा 17 में आया है अष्टांग हृदय में। माधव में 36वें अध्याय में आया है, ठीक है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे इसकी एक निरुक्ति बताई गई है, निरुक्ति यहीं पे आपको मिलेगी शायद चरक वाले अध्याय में, वहां तो उत्तरार्ध में नहीं है। तो यहाँ पे निरुक्ति लिखा हुआ है वोष्टी गति वृद्धो से टुओ की संज्ञा कर श्वी से वृद्ध अर्थ में अथुच प्रत्यय, है ना। तो टुओच गति वृद्धो, जैसे वहां पे क्या था स्मृत गति अवगत ऐसे करके था ना, वहां पे गमन के लिए कौन से शब्द प्रयोग हो रहा था, वहां पे हमने बताया था कि इसका अर्थ होता है गमन,
वैसे यहाँ पे ट्वोश्च गति वृद्ध हो से ट्वो की इत संज्ञा कर श्वी से वृद्धि अर्थ में अथुच प्रत्यय करने से श्वेतु बनता है। यहाँ पे शोध नहीं श्वेतु की निरुक्ति बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शोध नहीं श्वेतु, जिसका अर्थ है बढ़ा हुआ, शोध का शाब्दिक अर्थ हुआ उससे युक्त शरीर का प्रदेश, यानी कि उभार हुआ उठा हुआ जो शरीर का भाग रहेगा उससे जहाँ पे रहेगा उसको ये शोध कह रहे हैं। परिभाषा क्या कह रहे हैं शोध की, स्व प्रकोप कारणों से यानी जिन कारणों से निदानों के सेवन से वायु दूषित होती है, प्रकोपित वायु अपने कारणों से दूषित हुए रक्त पित्त एवं कफ को उत्तान सिराओं में ले जाकर, यानी सिराओं में ले जाएगा, वो वात का कर्म ही होता है घुमाना फिराना सबको, तो ले जाएगा पित्त कफ रक्त, उनके द्वारा अवरुद्ध होकर त्वचा व मांस के बीच में, याद रखिएगा त्वचा और मांस के बीच में होकर रक्त सहित त्रिदोष के संचय से उभार को उत्पन्न करता है, यानी वात पित्त कफ का संचय होगा, रक्त का संचय होगा और वहां पे जो इनके संचय से एक उत्सेद होगा उभार होगा उसको शोथ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इंफ्लेमेशन की डेफिनेशन दे दिए हैं, इडिमा की दे दिए, इडिमा इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टीशियल स्पेस और सीरस एक्विटीज और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। इंफ्लेमेशन क्या है, inflammation is the local defense of tissue of the site of damage which is caused by bacterial infection, injury or chemical. That is the difference between edema and inflammation. Edema is collection of fluid in the interstitial spaces or serous cavities or extracellular spaces, and inflammation is the local defense of tissue of the site of damage which is caused by bacterial infection, injury or chemicals. WBC फैगोसाइट जो फाइट करते हैं फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, वहां पे जो प्रक्रिया हो रही है उसके तहत इंफ्लेमेशन हो रहा है। इंफ्लेमेशन इज द लोकल डिफेंस ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू का जो लोकल डिफेंस है फॉरेन बॉडी से सुरक्षित रहने के लिए जो मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे इंफ्लेमेशन कह रहे हैं। फिर इसके बाद इसके क्या क्या सिनोनिम होते हैं शोथ के, कुछ लोग इसको शोथ शोफ भी बोलते हैं, फ से फल वाला, शोफ शोयथु दवयथु दवथु ये भी सही है, और सूजन, थोड़ा सा डिफरेंस होता है शोयथु और दवथु में क्या होता है अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये सूजन वजन सामान्य भाषा का प्रयोग हमको नहीं करना है। निदान क्या करना है, निदान क्या बता रहे हैं, निज और आगंतुक शोथ के निदानों का पृथक पृथक वर्णन करेंगे। निज शोथ क्या हुआ जिसमें कि दोष सामान्य से बढ़ जाए या कम हो जाए, है ना, साम्यावस्था से विचलित हो जाए, उसको कहते हैं निज शोध। यहाँ दोष की बात कर रहे हैं। पहला लिखा हुआ पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग, मिथ्या प्रयोग या तो अल्प प्रयोग करेंगे या तो बहुत ज्यादा प्रयोग कर दें पंचकर्म का। संसर्जन क्रम का मिथ्या प्रयोग जो हमने आपको बताया था कि पंचकर्म करने के पश्चात अग्निकर्म और बल की वृद्धि करने के लिए संसर्जन क्रम किया जाता है, उसका मिथ्या प्रयोग करने से भी। और क्या है, छर्दी हुआ, विसूचिका हुआ, श्वास कास, अतिसार, इन सभी रोगों द्वारा शरीर का अतिकर्षण यानी उपद्रव स्वरूप कह रहे हैं, ठीक है ना, उत्कर्षण स्वरूप। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है, सातवां पॉइंट देखिएगा, ये अति गुरु अम्ल लवण पिष्टान्न फल शाक राग दधि हरितक मध्य मंदक दधि नवशुक धान्य शमी धान्य और आनूप मांस का, अगर इनका हम अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैसे भी कफ जो शोथ होता है उसमें कफ का प्रभाव ज्यादा होता है, कैसे होता भी वो भी आगे आएगा। और अति लवण व मृदा का सेवन करने से, सद्यह प्रजाता द्वारा मिथ्या उपचार करना और मर्म आघात, इन सभी की विकृति से भी, मर्म आघात से भी शोध हो सकता है। ये तो हुआ निज शोध की बात। आगंतुक में क्या कह रहे हैं, चोट लग जाना, आघात लग जाना, इन सभी कारणों से जो है आघात हो गया, छेदन हुआ, भेदन हुआ, है ना, प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, वेधन, पीड़न, इन सभी कारणों से आगंतुक शोध होगा। फिर इसके बाद लिखा है भल्लातक पुष्प आत्मगुप्तक केवाश को बोलते हैं, इन सभी के स्पर्श से भी कभी कभी इन्फ्लेमेशन शोथ होने लगता है, ठीक है ना।
हल्लाता जो होता है इरिटेंट होता है ना, सेमिकार्पस। तो भल्लातक जो होता है, विष जो होता है, उससे भी बच के रहना है भैया। अगर उसको आप टच कर देंगे तो इरिटेशन करेगा, वहां पे भी शोथ उत्पन्न करेगा, के वहां से भी यही होता है जिसको हम लोग कभी कक्षुप बोलते हैं मिकुना, है ना। तो इन सब के स्पर्श से भी शोथ हो सकता है। विषैले प्राणियों के स्वेद से, आप अगर अगर तंत्र आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कुछ प्राणियों के स्वेद से भी विष का कार्य करता है वो, और शोध उत्पन्न कर सकता है उनके मूत्र से, उनके स्पर्श से, दंष्टा से, उनके दंत से, विषाण से, नख से। आपने पढ़ा होगा कि जांगम विष के स्थान, ये सभी लगभग उसी में आ रहे हैं। जांगम विष के जो स्थान है, किसी भी प्रकार से अगर स्पर्श हो जाता है तो वहां पे शोध उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे मॉडर्न काजेस दे रखे हैं, है ना। जैसे किसी के शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, स्वेलिंग है, तो हम क्या क्या डीडी कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो, है ना, पेरिकार्डियलिटिस हो सकता है, एलवीएफ हो सकता है, सीसीएफ हो सकता है। रीनल में क्या है, एक्यूट नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, हिपेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, वेनस हो सकता है, इंफीरियर वेना के ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, एंडोक्राइनोलॉजिकल हो सकता है, मिक्सोडीमा। दीज आर सम कॉजेस ऑफ बायलैटरल एडिमा, ठीक है ना, दीज आर कॉजेस ऑफ बायलैटरल एडिमा। यूनिलैटरल एडिमा क्या है, लिम्फैटिक, जैसे फाइलेरिया है, फाइलेरिया में क्या होता है, यूनिलैटरल एडिमा है, लिम्फैटिक फाइलेरिया जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा बाइलैटरल और यूनिलैटरल का अलग अलग कॉज, उसमें रीनल है, हिपेटिक है ना, वेनस में इंफीरियर वेना केवा आ गया, एंडोक्राइन में मैक्सोडीमा आ गया। तो ये सब कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में उभय मत से पूछ लेता है, अब वहां पे थोड़ा सा कॉजेज आप मॉडर्न के अकॉर्डिंग वहां पे लिख सकते। यूनिलैटरल में आपका ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, मेटाबॉलिक भी हो सकता है। सीजर्सन प्रोसेस फिर आता है संप्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो संप्राप्ति है शोध का, निदान सेवन होगा, प्रकुपित वायु बाह्य शिराओं में जाएगी, वायु जो होता है बाह्य शिराओं में जाकर कफ, रक्त और पित्त को दूषित करेगा। वायु का कार्य क्या है, कफ, रक्त और पित्त को यहाँ पे दूषित करना है। ये दूषित तथा मात्रा अधिक कफ, रक्त, पित्त वायु के मार्ग को रोक देते हैं। ये दूषित एवं मात्रा अधिक कफ, रक्त, पित्त, यानी कि जिसको वायु ने दूषित किया उसी ने वायु का रास्ता रोक दिया, ठीक है ना। वायु ने दूषित किसको किया, कफ, रक्त, पित्त को, ठीक है ना, कफ, रक्त, पित्त, चाहे उसको पी आर के पढ़िए, चाहे के आर पी पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है, के आर पी यानी कफ, रक्त, पित्त को वायु दूषित करेगा, और यही कफ, रक्त और पित्त वायु का रास्ता रोक देंगे। फिर क्या होगा, वह रुकी हुई वायु विसर्पण कर आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो वहीं पे उससे उत्पन्न कर देगी शोथ उत्पन्न, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे निदान सेवन, वात दुष्टि, पित्त दुष्टि, कफ दुष्टि, पित्त की दुष्टि से यहाँ पे लिखा हुआ, अग्निमांद और इन सभी की दुष्टि से, बेसिकली त्रिदोष की दुष्टि से यहाँ पे मुख्य कारण लिख रहे हैं आम का निर्माण। जब भी अग्निमंद होगी तो आप जो भी आहार का सेवन करेंगे उसका पाचन नहीं हो पाता है। अभी आपको हम संक्षिप्त में इतना ही बता सकते हैं कि जब आहार अग्निमांद होने से आहार का पाचन नहीं होता है उचित रूप से, तो वहां पे आम विष का निर्माण होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा श्लोक आया है, उष्मणो अल्पबलत्वे नाम की परिभाषा में ऐसे है बागभट्ट। तो भी आम पढ़ेंगे तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है कि अग्निमंद होगी तो आम का निर्माण होगा, और जब भी आम का निर्माण होगा तो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना, स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। और यहाँ पे रस का त्वचा मांस के आभ्यंतर विमार गमन और शोथ की उत्पत्ति,
ये तो हुआ आपका फ्लो चार्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। आम का निर्माण हुआ, रस रक्त वस्त्र रुकस में संग होगा, रस का त्वचा मांस के अभ्यंतर विमार गमन होगा और शोध उत्पत्ति होगा। तो ये त्वचा और मांस के अभ्यंतर ये याद लिखिएगा, रस का त्वक मांस अभ्यंतर विमार गमन, ठीक है। मॉडर्न पे हम नहीं जाएंगे अभी, हम आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की बात करेंगे। वहां चूंकि कॉजेस कुछ बताने से आपको रीनल कार्डियक ये सब जानना आवश्यक था, तो वो हमने आपको वहां पर बता दिया। बायलेटरल और यूनिलैटरल वो भी हमने आपको बताया। फिर यहाँ पे हम लोग संप्राप्ति घटक की बात करते हैं। दोष वात प्रधान त्रिदोष, दोष क्या हुआ वात प्रधान त्रिदोष, दूषी क्या हुआ रस रक्त, दूषी क्या हुआ रस और रक्त, स्रोतस रसवह और रक्तवह, रसवह किसमें होगा निज शोथ में और रक्तवह किसमें होगा आगंतुक शोथ। याद रखिएगा रसवह जो स्रोतस है वो निज शोथ में, यानी जहाँ दोष का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और आगंतुक जहाँ ट्रॉमा वगैरह हो जा रहा है वहां पे रक्तवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट। अधिष्ठान त्वचा और मांस के मध्य में, अभी ऊपर भी बताया है त्वचा और मांस के मध्य में अधिष्ठान होगा। अग्नि मंदाग्नि की वजह से हो रहा है। जो आगंतुक शोथ होता है वो आशुकारी है, ठीक है, और जो निज शोथ है वो चिरकारी है, बहुत अधिक समय तक रहने वाला, ठीक है। फटाफट भेद देख लीजिए, फिर आते हैं हम चरक वाले प्रकरण पे। आचार्य चरक ने इसके निज और आगंतुक दो भेद बताए हैं। दोषानुसार निज आगंतुक मतलब बाह्य कारणों से ट्रामा वगैरह से अगर हो रहा है, आघात से हो रहा है तो आगंतुक कह दिया उसको, ठीक है ना। फिर पुनः तीन भेद बताए हैं, वातज पित्तज और श्लेष्मज, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद निज शोथ के तीन भेद बताए हैं, पूरे शरीर में अगर हो रहा है तो सर्वांग बोल दिया, आधे शरीर में हो रहा है अर्धांग, और केवल एक ही शरीर में हो रहा है उसको एकांग कह दिया, है ना। जैसे भी ऊपर आया था फाइलेरिया, वो एक ही अंग में हो रहा है, एक ही जगह में हो रहा है तो एकांग हो गया, ठीक है ना। आधे अंग में हो रहा है, अर्धांग और सर्वांग, तो ये निज शोध के तीन भेद हो गए। फिर इसके बाद पुनः सात भेद किसके आधार पे, दोषानुसार। तो दोषानुसार तीन भेद भी बताए हैं और सात भेद भी बताए, और सात भेद में क्या हो जाएगा द्वंद्वज आ जाएगा, और वातज पित्तज कफज, फिर द्वंद्वज आ जाएगा और लास्ट में सन्निपात। तो ये सात जो है दोषानुसार भेद भी हो गए। तो दोषानुसार हम तीन भेद भी बताएंगे और सात भेद भी बताएंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका वाग्भट वाला, इसको देख लीजिएगा। वाग्भट ने जो तीन भेद बताए हैं, अलग थोड़ा इनका है ये, पृथु उन्नत और ग्रथित, कि वाग्भट के अनुसार तीन भेद हैं, पृथु उन्नत और ग्रथित, ठीक है। पृथु मतलब बहुत चौड़ा रहेगा, चपटा रहेगा, पृथु मतलब चपटा फ्लैट रहेगा, फ्लैट तो नहीं बोलेंगे, उच्छेद होता है शोध में तो फ्लैट शब्द अच्छा नहीं है, यहाँ पे चौड़ा लिखा हुआ है। उन्नत का मतलब उठा हुआ उभार रहेगा, और ग्रथित का मतलब गांठदार, यहाँ पे गांठे बनने होंगे। तो पृथ्वी को आप चपटा कह सकते हैं कि शोथ ऐसा होगा ज्यादा उठा हुआ ना रहे, है ना, बिल्कुल फ्लैट टाइप का रहे ऐसा शोथ, तो उसको जो है पृथ्वी कह रहे हैं। फिर उन्नत दूसरा उठा हुआ है, और तीसरा है ग्रथित। ये वाग्भट के ये तीनों जो है पृथ्वी उन्नत ग्रथित जो अलग से उन्होंने बताया है कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में, जो ये इम्पोर्टेंट है पृथ्वी उन्नत और ग्रथित। फिर वाग्भट ने नौ भेद बताए हैं, देखिएगा सात तो वही हैं, दो इन्होंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं चरक से, अभिघातज और विषज, ठीक है। जो नौ भेद बताए हैं उसमें अभिघात और विषज ये दो एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो पृथु उन्नत और ग्रथित तीन वो याद रखना है आपको, और अगर नौ भेद करते हैं तो सात तो चरक वाले ही हो गए, प्लस अभिघात यानी ट्रामा से, और विषज किसी पॉइजन के इंटेक से या पॉइजन के कॉन्टेक्ट से, जैसे अभी भल्लातक वगैरह वाला हमने बताया वो विषज में आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज, पित्त कफज सन्निपातज अभिघातज और विषज। अभी हम लोग जहाँ पढ़ेंगे चिकित्सा बारह में, तो वहां पे पूर्व रूप आचार्य चरक के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शोथ स्थान में ऊष्मा, शोथ स्थान में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब क्या है फीलिंग ऑफ वार्म इन द अफेक्टेड एरिया,
जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे समस्या हुई है, वहां पे गर्म लगेगा, ठीक है ना, गर्मी लगेगी वहां पे उस एरिया में। तो शोध स्थान में ऊष्मा और दूसरा है अक्षिदाह, मतलब कि नेत्रों में भी बर्निंग सेंसेशन होगा। एक तो ऊष्मा होगा जहां पे शोध स्थान है, दूसरा है नेत्रों में दाह बताया, ठीक है ना, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, तत्पूर्व रूपम द्वयथु शिरायामो अंग गौरवम, गौखम ने गौरवम है, ऊष्मा तथा स्वाद द्वयथु शिरायामम इत्येव च पूर्व रूपम। ये वाला जो हमने पहली लाइन बताया था ये अष्टांग हृदय का है, ठीक है ना। चरक में क्या है, ऊष्मा जो अभी हमने बताया, ये ऊष्मा फीलिंग ऑफ वार्म, ठीक है ना। द्वयथु होता है मतलब इंद्रियों में या नेत्र में कह सकते हैं, अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसको द्वयथु बोलते हैं। अभी सिनोनिम में आया था श्वयथु था द्वयथु था, हमने कहा थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो अभी आपको आगे बताएंगे। तो द्वयथु का मतलब होता है नेत्रों में या इंद्रियों में थोड़ा सा इंफ्लेमेशन यानी जलन टाइप का होना, उसको द्वयथु कहते हैं। दवथु दवथु, ठीक है, दवथु मतलब नेत्र में दाह हो रहा। शिराणाम आमय इत्येव च पूर्व रूपम, ठीक है ना, सर्वत्र दोषो अधिक दोष लिंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा और दवतु और शिराणाम आमय क्या है, वैसो डायलेशन जैसे होता है ना, सिराओं में तनाव हो जाना, वैसो डायलेशन, शिराणाम आमय मतलब वैसो डायलेशन की बात कर रहा हूँ। तो पहला हुआ ऊष्मा, दूसरा हुआ द्वयथु और तीसरा हुआ आपका सिराओं में तनाव, इसको शिराणाम आमय, शिराणाम आयम ही पढ़िए, शिराणाम आयाम लिखा हुआ, वैसो डायलेशन। फिर अंग गौरव, बॉडी में हैवीनेस होगा, गुरुता होगी, तो इसको अंग गौरव कहेंगे। ये चारों जो है आप इसको पूर्व रूप को जरूर याद रखिए, ठीक है ना। बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ऊष्मा द्वयथु और शिराणाम, ठीक है ना, शिराओं में जो तनाव है वो तीन इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है रूप की बात, पूर्व रूप के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे रूप। पहला है गौरव गुरुता हैवीनेस इन बॉडी, शोथ की अस्थिरता भी हम लोग पढ़ेंगे, वातक पित्त कफ शोथ, पीटिंग एडिमा नॉन पीटिंग एडिमा, चरक ने भी बताया है, किसको आप दबाएंगे तो गड्ढा बहुत देर तक बना रह जाएगा, किसको आप दबाएंगे तो जैसे उंगली आपने हटाया गड्ढा समाप्त हो जाएगा। तो पीटिंग और नॉन पीटिंग एडिमा, कभी कभी देखा होगा पैर में स्वेलिंग होता है तो दबाइए वहां पे तो दब जाता है ना, बिल्कुल गड्ढा बन जाता है वहां पे, जैसे फिंगर आप हटाएंगे गड्ढा नॉर्मल हो जाता थोड़ी देर में। तो वही शोथ की अस्थिरता, उससे स्वेलिंग को बोलते हैं, ऊष्मा हीट को बोला, सिरा तनुत्तम वैसोडायलेशन कह सकते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी भी कह सकते हैं, सिराडाम आमय था वैसोडायलेशन और सिरा तनुत्तम को यहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, सिरा तनुत्तम का मतलब इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। लोम हर्ष अंग विवर्णता डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आपने देखा होगा जहाँ पे शोध होता है वहां पे नॉर्मल स्किन से वहां का पार्ट जो होता है कलर जो होता है चेंज हो जाता है, तो डिस्कलरेशन हो जाएगा वहां पे। फिर यहाँ पे वातिक शोध पित्त इन सब का अलग अलग कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हमने आपको छतछीण में पहले यहाँ से काच किस्सा से पढ़ा दिया, फिर चरक पढ़ा है, तो आपका रिवीजन भी हुआ और आपको एक कॉन्फिडेंस ये भी आ जाएगा कि हमने काच किस्सा वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, क्योंकि तो बाकी सारे सब्जेक्ट निकले हैं संहिताओं से ही ना, मूल तो संहिताएं ही हैं, वो अलग अलग ब्रांचेस बनती चली गई आयुर्वेद के, सब्जेक्ट बनते चले गए लेकिन मूल वही है चरक सुश्रुत और वाग्भट। तो वातिक शोध में क्या होता है, देखिए वात का लक्षण होता है गमन करना, चंचलता, एक जगह रुकेगा नहीं और जो चलता फिरता रहेगा वो अस्थिर होगा, है ना। तो यह शोथ चल होता है, अस्थिर होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने वाला, घटने बढ़ने वाला होता है। तो घटने वाला कुछ है ही नहीं, वो तो सारा बात का लक्षण बता रहा है, चल होगा अस्थिर होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने वाला व घटने बढ़ने वाला होता है। हमने हमेशा कहा है कि बात की बात होगी तो अरुण होगा, परुष होगा, कृष्ण होगा, ये सब किस में आता है, बात में आता है। तो देखिए लिखा है वहां पे शोथ स्थान की त्वचा तनु परुष अरुण व कृष्ण की होती है। त्वचा में प्रसुप्ति हर्ष
वह अर्ति होती है, वात होगा तो अर्ति, अर्ति कही जाए अर्ति कही, अर्ति मतलब वेदना है ना, हर्ष मतलब वहां पे हाइपरस्थेसिस कह रहे हैं, प्रसुप्ति एनेस्थीसिया मतलब वहां पे बिल्कुल पता ही नहीं चले टच करने पे, तो उसको प्रसुप्ति कह दिया इन्होंने। किस बेसिस पे? आप ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, प्रसुप्ति हर्ष व अर्ति, त्वचा में प्रसुप्ति हर्ष और अर्ति, ये होता है बिना कारण ही शोथ में अल्पता आ जाती है, प्रशाम्यति, ओरिजिनल कंटेंट में आएगा प्रशाम्यति, बिना किन्हीं कारणों से प्रशमन हो जाता है उस सेध का, यानी जो उभार रहता है बिना किसी कारण से उसका शमन हो जाता है, अल्पता आ जाती है उसमें। शोथ युक्त भाग को दबाने पर दब जाता है, रैपिडली पिटिंग, जैसे आप दबाएंगे पूरा दब जाएगा, किंतु शीघ्र ही उठ जाता है, जैसे ही आपने फिंगर हटाया ये तुरंत उठ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। प्रोन्मति प्रपीड़ितो, प्रोन्मति प्रपीड़ितो, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही आप दबाएंगे दब जाएगा, और जैसे ही आप हाथ उठाएंगे नॉर्मल आ जाएगा, ये हुआ वाती शोथ का लक्षण, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगली लाइन, दिन में बढ़ता है और रात में घट जाता है, दिन में बढ़ता है, इसको दीवावली, तो याद रखिएगा दीवावली यानी दीपावली जो है वात, दीपावली में वात याद रखिएगा, दिन में जो बलवान हो जाएगा वो क्या होगा, दिन में जो बलवान होगा वो क्या होगा, वातज होगा, आपको यही याद रखना, और जो रात में बलवान होगा वो कफज शोथ होगा। दिन में बलवान होने वाला वातिक शोथ है, और रात में बलवान होने वाला कफज शोथ है, तो दीवावली वातिक में कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। स्पंदन होता है, स्नेहन स्वेदन मर्दन से शोथ नष्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट देखिए। सगौरवम स्याद अनवस्थितम, स उच्छेदम ऊष्मा अथ शिरा तनुत्वम, स लोम हर्षम अंग विवर्णता च सामान्यम लिंगम श्वेतु प्रतिष्ठम, ये शोथ के सामान्य लक्षण बताए हैं चरक में, जो अभी आगे आने वाला है, ये शोथ के सामान्य लक्षण है, देखिएगा। सगौरवम शरीर में गुरुता होगा, अनवस्थितम स उच्छेद अनवस्थित्व होगा, उच्छेद ऊष्मा होगा, शिरा तनुत्वम हमने अभी आपको बताया है, ऊपर शिरा तनुत्वम अलग बताया है, शिराणाम आम अलग बताया है। स लोम हर्ष, वहां लोम हर्ष होगा, अंग विवर्णता डिस्कलरेशन हमने बताया, ये सभी क्या है उसके सामान्य लक्षण हो गए, चरक चिकित्सा 12 का 11वां श्लोक। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने, इनकी बुक है शर्मा सर ने, इन्होंने वातिक शोथ का सामंजस्य पढ़ाया है, इडिमा ड्यू टू कार्डियक डिसऑर्डर बता दिया है, हृदयजन्य शोथ भी अनस्टेबल होता है, हृदयजन्य शोथ भी अनस्टेबल होता है, तो जैसे बेसिकली पेशेंट आपके पास आया और आपने उसके पैर पे प्रेस किया, पिटिंग इडिमा हुआ, तुरंत नॉर्मल हो गया, तो तुरंत उसका हम कार्डियक टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, तो आपका इशारा जो है कार्डियक डिजीज की तरफ हो सकता है, तो हृदय जन्य शोथ भी अस्थिर, प्रोन मति प्रपीड़ित, रैपिडली पीटिंग, व दीवावली डिपेंडेंट पीडल इडमा, अभी दीवावली का मतलब ये कभी नहीं हो सकता है, ये गलत लिखा हुआ, तो दीवावली जो दिन में जिसका वेग जो है बढ़े वो, और रात्रि में विश्रामावस्था में कम हो जाता है, ठीक है, तो दिन में जो है बढ़ेगा और सायंकाल को इसका वेग कम हो जाता है, ये हुआ आपको वातिक शोथ, बस खाली इतना याद रखिएगा कि कार्डियक डिसऑर्डर से इसको कंपेयर किया गया है। फिर वातिक के बाद आता है पित्तज शोथ का लक्षण, पित्त वाले सारे लक्षण आएंगे है ना, दाह पाक भ्रम ज्वर स्वेद बहुत अधिक आएगा, तृष्णा बहुत लगेगी है ना, मद होगा, अतिसार होगा, और ठंडे चीजों को खाने की इच्छा करेगी, तो ये सभी जो पित्त वाले लक्षण है वो सारे पित्त शोथ में आ जाएंगे, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें स्पेशली रटना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां पॉइंट, शोथ मध्य शरीर से उत्पन्न होता है, ये इंपॉर्टेंट, शोथ जो होता है वो मध्य शरीर से ओरिजिन होता है उसका, और मध्य में हिपेटिक होता है, लीवर होता है, जिसको इन्होंने लीवर से कोरिलेट कर दिया पित्त शोथ, ठीक है ना।
पित्त शोथ के उपरयुक्त लक्षण जो है आचार्य वाग्भट ने अभिघाता जो विषज आदि आगंतुक शोथ में भी पैतृक शोथ के लक्षण बताए। जो वाग्भट का हमने दो भी आपको एक्स्ट्रा बताया है साथ के अतिरिक्त अभिघाता जो और विषज उसमें भी लक्षण पित्त शोथ वाले ही मिलते हैं, यानी अभिघाता जो और विषज के लक्षण भी पित्त शोथ के बराबर ही होते हैं, पित्त वाले सारे लक्षण वहां पे मिलेंगे। फिर तीसरा है श्लेष्मज शोथ, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जहां भी कफ होगा वहां पे कंडू होता है, तो इस श्लेष्मज शोथ में जहां पे कफ शोथ होगा वहां पे इचिंग होगा, कंडू होगी, ठीक है, और शोथ भाग में गुर्दा होगा, पांडु वर्ण हो जाएगा, और शोथ दबाने पर दब जाता है एवं देरी से उठता है। जैसे हमने आपको अपस्मार में बताया था कफज अपस्मार बहुत देर तक रहता है, मतलब जहां बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा, जल्दी उठेगा नहीं, आलसी होता है, कफ जो होता है आलस से प्रकृति का होता है, तो वैसे ही कफज शोथ भी होता है, देरी से उठेगा अगर आप एक बार दबा देंगे। जैसे वातज में क्या था कि जैसे आप दबाएंगे पिटिंग एडमा होगा, लेकिन जैसे आप हटाएंगे वो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन कफज में क्या होता है दब तो जाएगा बट स्लोली पिटिंग एडमा, मतलब वो रैपिडली था, ये स्लोली है, बहुत धीरे धीरे वापस ऊपर आएगा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रात्रि बलि होता है, तो दीवा बलि वाला जो है दिन में बलवान होने वाला क्या था वातज और रात्रि बलि जो है ये आपका कफज शोथ है, मॉडर्न से कंपेयर करने का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये लाला प्रसेक निद्रा छर्दी अग्निबांध ये भी कफ का ही लक्षण होता है, बार बार हटाने की जरूरत नहीं है, हम आपको हर व्याधि में बताएं कि पित्त में दाह होता है, तृष्णा लगती है, ये होता है, वो होता है, लाल नीला पीला दिखता है, ये सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उसको आपको रट लेना है, मतलब रट के लेना है, एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि वात होता है ये होगा, पित्त होता है तो ये, और कफ होता है तो कंडु अरोचक लाला निद्रा छर्दी अग्निबांध ये सभी जो है कफ के लक्षण है, पांडु वर्ण है, गुरता है, स्थिरता है, ये सब कफ के लक्षण होते हैं, तो आपको ये जीवन पर्यंत कार्य देगा, काम देगा, अगर आपने बात पित्त कफ के सामान्य लक्षण अगर आपने पढ़ लिए हैं तो, ठीक है ना। अब ये कफ शोथ की तुलना नेफ्रोटिक सिंड्रोम से कर रहे हैं, वातिक की इन्होंने किया था किससे, कार्डियक से, और यहाँ पे कर रहे हैं नेफ्रोटिक से। कभी कभी देखा होगा रिनल डिसऑर्डर में नेत्रों के नीचे स्वेलिंग रहता है, नेत्रों के नीचे आंखों के आसपास जो है स्वेलिंग रहता है, तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से जो होता है वो एडिमा रहता है ना, वहां पे आपको रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह कराया जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं, यहाँ साध्यता साध्यता हमने एक पेज उड़ा दिया है, उसमें यही लिखा हुआ था कि नवीन और शोथ अगर रहेगा और बलवान रोगी रहेगा है ना, तो उनका जो है साध्य होता है। देखिए यहाँ पे बलवान व्यक्ति का शोथ लिखा हुआ है, मांस छीण हुआ हो और पहला था एकदम नया नया दोष उत्पन्न हुआ हो, शोथ उत्पन्न हुआ और एक दोष से उत्पन्न हुआ हो, तो ये सभी जो पॉइंट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं साध्य होता है। एक दोष जो होगा नया नया कोई रोग होगा और बलवान व्यक्ति होगा, मतलब जिसमें रोग हुआ है वो बहुत शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बलवान हो, प्रवर सत्व वाला हो, मांस छीण हुआ हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति में कोई भी बीमारी शोध ही क्या, कोई भी बीमारी साध्य होती है। कृच्छ साध्य शोध क्या हुआ, शरीर के मध्य भागगत शोध, यानी कि मध्य भाग में जैसे जो हमारा मिड रीजन है उधर वाला जो एरिया है अगर वहां पे शोध हो रहा है तो वो कृच्छ साध्य होता है। और दूसरा लिखा सर्व शरीरगत शोध, मध्य भाग में या सर्व शरीरगत अगर शोध है तो वो कृच्छ साध्य है। और असाध्य किसमें होगा, बालक वृद्ध कृश दुर्बल इसमें अगर शोध हो जाता है वो असाध्य होगा। उच्ची में उदर में गले में और मर्म स्थान में शोथ अगर होगा तो ये भी असाध्य है, ठीक है ना। अति स्थूल व्यक्ति में वहां भी ये इम्पोर्टेंट है, पुरुषों में अर्धांग में होने वाला शोथ जो ऊपर की ओर बढ़ता है, एक होता है ऊर्ध्वांग एक होता है अधांग, अधांग हम पैर को समझ सकते हैं, अधांग मतलब शरीर के नीचे वाला जो भाग होता है, तो मेल में अर्धांग में होने पहले पैर में हो जाए फिर वो ऊपर बढ़े, ध्यान से सुनना। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ है ना, ये मेल का सिंबल ये फीमेल का सिंबल बना हुआ है, तो मेल में हमने नीचे से ऊपर बताया हुआ कि अर्धांग में शोथ हो फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो पुरुष में वो असाध्य होता है। और स्त्रियों में क्या है, मुख से उत्पन्न तथा
था नीचे की ओर बढ़ने वाला स्त्री को एवं गुह स्थान से उत्पन्न स्त्री और पुरुष दोनों को मारक होता है। स्त्रियां देखो बोलती बहुत है ना, तो बोलती बहुत है, बोलते बोलते मुंह में सूजन आ जाएगा, इतना बोलेंगे मुंह सूज जाएगा, फिर उसके बाद शोथ जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो स्त्री वाला मुख से नीचे की तरफ आता है और पुरुष वाला जो है पैर से यानी अर्धांग से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये दोनों कंडीशन के हमने साध्यता बता दी। गुह अंग यानी गुप्तांग में अगर हो रहा है तो दोनों में, अगर गुप्तांग में शोध हो रहा है गुह अंग में, गुप्तांग मतलब गुह अंग है ना, तो वहां पे अगर शिश्न उपस्थ इन पार्टो को गुह अंग बोलते हैं, तो वहां पे अगर शोध आपको उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, वो भी दोनों में असाध्य हो जाएगा, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक, हम एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं, पता नहीं किसको पता है, हम पढ़ते हैं रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन में गुह्य अंग पे कितना परसेंट होता है, वैलेस रूल ऑफ नाइन पढ़ते हैं ना, बर्न कितना परसेंट हुआ है बॉडी में, उसमें गुह्य अंग पे कितना परसेंट जाता है, वन परसेंट बोलते ना, 70% बर्न हो गया, 80% बर्न हो गया, गूगल पे देखना जरा वैलेस रूल ऑफ नाइन, तो पता चल जाएगा कौन से बॉडी पार्ट जलने पे कितना परसेंट हम काउंट करते हैं। ये कुछ उपद्रव दे रखे हैं, ये उपद्रव दे रखे हैं शोध के, अभी हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, चरक में ओरिजिनल पढ़ेंगे। चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं, कभी भी चिकित्सा सिद्धांत हम लिखेंगे तो पहला क्या होता है, निदान परिवर्जन, ठीक है ना, बल दोष काल का निर्धारण करेंगे रोगी का, जल व लवण का निषेध। मॉडर्न में भी आपने देखा होगा कि जल व लवण का निषेध कर दिया जाता है, तो सिर्फ लवण का ही निषेध नहीं, जल का भी निषेध कर दिया जाता है। ठीक है, तो जल और लवण का निषेध, अभी कहीं इंटरव्यू में पूछा गया था, अभी कहीं इंटरव्यू में पूछा गया था किसका किसका निषेध होता है, तो केवल लवण आपको नहीं बताना है, जल और लवण अगर हो सके तो इस श्लोक में बताइए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हमने जो है मंजूषा से लिया हुआ है, चरक में सूत्र स्थान अध्याय 18 में त्रिशोथी अध्याय में दोषानुसार शोध का वर्णन एवं चिकित्सा स्थान 12वें अध्याय में शोध का डिस्क्रिप्शन किया है, और चरक ने चिकित्सा स्थान के 25वें द्विवर्णीय चिकित्सा में भी किया है, ठीक है ना, पच्यमान और पक्व अवस्थाओं का वर्णन। सुश्रुत ने एकांग शोक के 6 भेद एवं शोक की अवस्थाओं का उल्लेख सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में किया है, और चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में सुश्रुत ने सर्वसर शोक के 5 भेद और चिकित्सा का वर्णन वहां पे किया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया कहाँ कहाँ पे शोध का वर्णन आया है, निज शोध के कारण यहाँ हम आपको बता चुके हैं, जिसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको निज शोध, ठीक है ना, यहाँ विभिन्न आचार्यों के मत से है। फिर आगंतुक शोध हमने आपको बताया, काष्ठ अश्म शस्त्र अग्नि विष इनसे अभिघात अगर हो जाता है तो बाह्य त्वचा दूषित हो जाती है, ये आगंतुक मतलब ट्रामा वगैरह से जैसे हो रहा है। फिर निज शोध के भी 3 फेज, सर्वांग अर्धांग और गात्र अवयव मतलब एकांग है ना, संप्राप्ति अभी हमने आपको वहां बता दिया था, वायु बाह्य सिराओं कफ रक्त पित्त को दूषित करेगा और जिसको दूषित करेगा वायु उसका रास्ता रोक देंगे और रास्ता रोक देंगे तो वायु जो वहीं पे उससे उत्पन्न करता है। शोध के पूर्व रूप में हमने आपको बताया था 3, ऊष्मा द्वयथु और सिराणाम आयाम, ऊष्मा द्वयथु सिराणाम आयाम, तो याद रखियेगा ये पूर्व रूप 3 बताए हैं चरक ने, और अंग गौरव जो है वो वाग्भट ने ऐड कर दिया, ठीक है, अंग गौरव जो भी हमने पढ़ा था वो वाग्भट ने ऐड किया है, ठीक है ना। यूएसडी यूएसडी यूएसबी होता है ना, उसको यूएसडी पढ़िए, यूएसबी डिवाइस होता है तो उसको यूएसडी पढ़िए, यू फॉर उष्मा, एस फॉर सिराणाम आयाम और डी फॉर द्वयथु, तो पूर्व रूप याद रखता है यूएसडी। फिर शोध का सामान्य लक्षण क्या है, सगौरव गुरता रहेगा, स्यादन अवस्थित्वम उच्छेद ऊष्मा सिरा तनुत्वम लोमहर्ष, याद रखिए सिरा तनुत्वम जो है यही कंफ्यूजन होता है, सिरा तनुत्वम जो है सामान्य लक्षण है और सिराणाम आयाम जो है आपका पूर्व रूप है, ये दोनों कंफ्यूज मत होइए। ये सारी चीजें हम आपको वातज पित्त कफ शोथ का हम बता चुके हैं, असाध्य लक्षण हम बता चुके हैं, कृश एवं दुर्बल व्यक्ति को होने वाला,
वामन आदि उपद्रव से युक्त मर्म में अगर हो जाएगा, है ना, अगर स्राव हो रहा है उसमें से और सर्व शरीर में उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे कुछ असाध्य लक्षण यहाँ पे हैं। साध्य क्या होगा? अहीन मांस, जिसका मांस छीण न हुआ, यानी कि बलवान हो, मांस आदि धातु में बलवान मतलब बढ़ी हुई हो, छीण न हुई हो, एक दोषज हो, नवीन हो, बलवान पुरुष को, तो वो साध्य होता है। ये सभी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये शोध का चिकित्सा सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निदान दोष हेतु विपर्य, अभी बताया ना, क्रमय उपचारितम बल दोष काल विदम, मतलब रोगी के बल दोष काल इत्यादि का विचार करेंगे, निदान का परिवर्जन करेंगे, जिन कारणों से व्याधि हो रही है और क्रम से उसका उपचार किया जाएगा, ये सभी हम लोगों ने भी पढ़ा। अभी हमने आपको पढ़ाया कि बताया कि क्या क्या अपथ्य होता है, उसमें जल और लवण आया है, जल और लवण के साथ साथ चरक ने शोथ में इतनी चीजों को मना किया है, ग्राम्य अनूप मांस, शुष्क शाक, नवान्न गुड़, पिष्टान्न दधि, तिलकृत बिज्जल, बिज्जल का मतलब होता है चिकने पदार्थ, अंकुरित धान्य का सेवन नहीं करना, वल्लूर सूखे मांस को बोलते हैं, वल्लूर का अर्थ क्या होता है, शुष्क मांस, शमसन गुरु असात में विदाही आहार और दीवा स्वप्न दिन में नहीं सोना है और मैथुन का भी त्याग बताया है, तो ये जो है शोथ में अपथ्य है। सुश्रुत में अम्ल लवण ये दोनों कफ को बढ़ाएंगे, है ना, दधि ये भी कफ को बढ़ाएगा, गुड़ वसा दुग्ध तैल घृत और पिष्टा नीम का भी सेवन मना किया गया है, और विहार आहार दोनों त्याज्य बताए हैं सुश्रुत चिकित्सा में ही, चिकित्सा में भी तो आया है ये, तो वहां पे देखेंगे दीवा स्वप्न स्त्री सेवन वही मैथुन में आ गया, वो पिष्टान मध्य का सेवन भी मना किया गया है, ये सब चीजें आप याद रखिएगा, मध्य अम्ल लवण तीनों का मना किया गया है। थोड़ा सा यहां देख लीजिए शॉर्ट में चिकित्सा की बात कर रहे हैं यहां से, अभी सब रिवाइज होगा तो रटेगा आपके दिमाग में। कफ जो शोध की चिकित्सा में व्योश त्रिकटु को बोलते हैं, सोंठ मरीच पिपली त्रिकटु को ही व्योष बोला जाता है, त्रिवित आप जानते हैं ये अलग प्लांट है, सोंठ मरीच पिपली त्रिवित तिक्त रोहिणी कुटकी को बोल रहे हैं, और लौह भस्म एवं त्रिफला रस के साथ सेवन, यानी त्रिकटु भी हो गया, त्रिफला भी हो गया, त्रिवृत भी हो गया, तो त्रि वाले तीन आ गए, त्रिवृत त्रिफला त्रिकटु, अभी चरक में आएगा बताएंगे वहां पे, त्रिकटु त्रिफला त्रिवृत ये हो गए, यानी नौ कंटेंट तो हम सॉरी तीन तीन छह और एक सात तो ये हो गए, कटुकी हो गया कुटकी और लौह भस्म, याद रखिएगा कफ शोथ में लौह भस्म बताया गया है, इसका सेवन कैसे करेंगे, त्रिफला रस के साथ सेवन करना है, और हरित की चूर्ण इन्होंने अलग से बताया कि हरित की चूर्ण का गौमूत्र के साथ में सेवन, तो ये भी जो होता है कफ शोथ की चिकित्सा के लिए बताया गया है, गौमूत्र का जब भी सेवन करेंगे कफ के लिए करेंगे, क्षीर का जब भी सेवन करते हैं पित्त के लिए करते हैं, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ये भी याद रखिएगा कि अक्सर गोमूत्र का सेवन हम कफज व्याधि में ही करेंगे, ठीक है ना। फिर वातज में देखिए क्या आया है, पुनर्नवा नागर यानी शुंठी मुस्ता नागर मोथा, नागर भी है नागर मोथा भी है याद रखिएगा, नागर शुंठी को बोलते हैं, नागर मोथा मुस्ता को बोलते हैं, पुनर्नवा नागर और नागर मोथा को क्षीर के साथ सेवन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिदोष शोध। फिर आ रहा है त्रिफला के साथ में सेवन, सॉरी शिला जतु के साथ में, शिला जतु इसके पहले जहां जहां पढ़ाए हैं हमने आपको बताया था कि सब एक जगह लिख लीजिएगा, तो त्रिदोष शोध यानी कि सन्निपातज शोध में शिला जतु को त्रिफला रस के साथ में सेवन कराना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सन्निपातज शोध में शिला जतु को त्रिफला रस के साथ में, शिला जतु का हाँ अभी बात करते हैं एक सेकंड, त्रिदोषज शोथ में शिला जतु को त्रिफला रस के साथ सेवन कराना है, आगे हम लोग त्रिमर्मी में भी पढ़ेंगे शिला जतु का प्रयोग, फिलहाल ये जरूर याद रखिएगा कि त्रिदोषज शोथ में शिला जतु का प्रयोग त्रिफला रस के साथ में, यहाँ त्रिफला दो जगह अनुपान आ गया देखिएगा, एक तो त्रिफला रस के साथ में व्योश त्रिवृत और तिक्त रोहिणी लौह भस्म साथ दे रहे हैं कफ शोथ में, और त्रिफला रस को शिला जतु के साथ दे रहे हैं त्रिदोषज शोथ में,
शोथ के रोगी को एक सप्ताह या एक मास तक ऊंट के दूध का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। पुष्ट दूध का सेवन एक सप्ताह या एक माह तक, शोथ में दुग्ध प्रशस्त आहार है, ठीक है ना। शोथ में दुग्ध प्रशस्त आहार है। अभी आगे कुछ और व्याधियां आ रही हैं, वहां भी दुग्ध प्रशस्त आहार आएगा, तो याद करते चलिए। देखिए शोथ में अतिसार होने पे, यहां भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं कफ शोथ में कटु की त्रिवृत्त के साथ में, तो वहां पे आप साथ में तक्र का प्रयोग करिए, व्योष वही त्रिकटु का प्रयोग करिए, सौवर्चन लवण मधु का सेवन अथवा गुड़ अभया, अभया हरिकी को बोलते हैं, गुड़ अभया मतलब गुड़ अभया के साथ, या गुड़ नागर का प्रयोग, गुड़ को सुंठी के साथ में प्रयोग करिए, कब जब अतिसार हो रहा हो। तो जी आपके उस प्रश्न उत्तर में चरक ने इतने जवाब दे दिए कि अगर आपके पेशेंट को अतिसार हो रहा है तो आपको इतनी चिकित्सा बता दी, तब आपको परेशान होने की बात नहीं है। अतिसार होने पे तक्र मट्ठे को बोलते हैं, व्योष सौवर्चन लवण मधु गुड़ अभया गुड़ नागर यानी गुड़ और सूंठ इनका प्रयोग कराना चाहिए, और शोथ में अगर विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो दुग्ध या मांस रस के साथ एरंड तेल का सेवन कराना चाहिए। एरंड तेल भी थोड़ा सा रेशन का कार्य करेगा। तो ये दोनों चीजें बताई, अगर अतिसार हो जा रहा है तब क्या करेंगे, और अतिसार का उल्टा है विबंध कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा तब क्या करेंगे। एक में एरंड तेल बताया है और एक में वो तक्रव्योषल मधु गुड़ाभ्या गुड़नागर का सेवन बताया है। दोनों पॉइंट अलग अलग याद रखिएगा। विबंध हो जाएगा दुग्ध और मांस के साथ में एरंड तेल का प्रयोग। कुछ योग हैं इसमें चरक में जो आएंगे, अभी गंडीराध्य रिष्ट आएगा, अष्टशतारिष्ट आएगा, है ना, पूर्णवाद्य रिष्ट, त्रिफलाद्य रिष्ट, क्षार गुटिका, ट से टमाटर वाला गुटिका है याद रखिएगा। अभी गुटिका भी आएगा, वो कहाँ आएगा वो हम बताएंगे। तो क्षार गुटिका जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो क्षार हैं, चार लवण हैं, अयोरज यानी लौह भी पड़ा हुआ है, फलत्रिक त्रिफला पड़ा हुआ है, व्योष त्रिकटु त्रिफला दोनों आ गया, त्रिफला और त्रिकटु दोनों है, पिपली मूल विडंग सार गुड़ आर्द्रक और वर्धमान प्रयोग कंस हरित की, ये अलग अलग कंटेंट हो गया। गुड़ार्द्रक अलग है, गुड़ार्द्रक का प्रयोग चरक में शोध में बताया है, वर्धमान प्रयोग कंस हरित की का प्रयोग आया है। अब कंस हरित की में द्विपंच मूल आया हुआ है, कौन कौन सा है अभी हम लोग पढ़ेंगे। सौ हरित की लेते हैं उसमें कंस हरित की में, वहीं पे हम सारी की सारी हरित की आपको एक जगह बताएंगे कि आयुर्वेद में हम लोग कौन कौन सी हरित की, इसके पहले भी हम पढ़ा चुके हैं हरित की, एक बार हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, फिर एक बार डिस्क्राइब कर देंगे। और एक्सटर्नल अप्लीकेशन यानी अभ्यंग के रूप में हम शैलयादि तैल प्रदेह करेंगे, शैलयादि तैल का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद एक देशज को शोथ है कि बॉडी के किसी पार्ट में शोथ हो रहा है, तो उसको अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको हम बाद में, यहाँ पे आएंगे पहले चरक। अब यहां से आपका उत्तरार्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। चरक ने एक देशीय शोध 19 बताए हैं, एक देशीय शोध 19 प्रकार के बताए हैं सूत्र स्थान में, और वाग्भट ने आकृति भेद से तीन शोध बताए हैं जो अभी हमने आपको बताया था, पृथु उन्नत और ग्रथित, हमने बताया था ना आकृति भेद से वाग्भट के तीन है, पृथु जो चपटा हमने बताया था, उन्नत उठा हुआ, ग्रसित जहां पे गांठे बन जाएंगे, ये वाग्भट वाला। और चरक के एक देशीय शोथों की संख्या 19 होती है, आपको ये संख्या याद करनी है, ठीक है ना। फिर चरक शोथ के तीन वेद वाद पित्त कफ है ना, किसमें त्रिशोथी अध्याय में, त्रिशोथी अध्याय में उन्होंने शोथ के तीन ही भेद बताए हैं, वात पित्त और कफ। यहाँ पे लिखा हुआ सुश्रुत ने शोथ 6 प्रकार के बताए हैं, देखिए ये विपकर्ष और आगंतुज, वातज पित्तज कफज रक्तज और सन्निपातज, विपकर्ष बोला हमने इसको, विपकर्ष बी फॉर वात, टी फॉर पित्त, के फॉर कफ, र फॉर रक्तज और एस फॉर सन्निपात, विपकर्ष और आगंतुज, ठीक है ना। तो ये तो कुछ भेदों के बारे में बताया, अभी पीछे हम लोग सब पढ़ के आए हैं, ये भी आपको पता होगा कि शोथ 9 प्रकार के वाग्भट ने बताए हैं, 7 प्लस
विषज और अभिघातज, ये द्वादश अध्याय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा इसको भी महागद कहा है। इसके पहले अभी अदत्वाभिनिवेश को हम लोगों ने महागद पढ़ा था, ठीक है ना, विषमाम कुरते बुद्धि नित्य नित्य हिता हित, अभी पीछे पढ़ा था अपस्मान की लास्ट में, और ये भी महागद इसको कहा गया है, याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा गुरु जी को फिर से देखिएगा क्या संदर्भ दे रहे हैं। अगध वेद सिंधु अर्थात चिकित्सा का वेद रूपी नदी, गंगा के प्रवर्तक आदि प्रवर हिमालय स्वरूप अद्भुत आचार्य पुनर्वस, ये सारी की सारी बातें गुरुजी को संबोधित करने के लिए कही जा रही हैं। सिंधु प्रवर्तन, ये सिंधु प्रवर्तन पे मैंने गोला बनाया है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे तीन प्रकार के दोषानुसार हो गए, निज और आगंतुक भेद से और एकांग सर्वांग शोच, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे सारे के सारे भेद बता दिए, ठीक है ना। वातादि भेद से त्रिविध, निज आगंतुक होगा और एकांग सर्वांग, ये सभी यहाँ पे भेद बता दिए हैं, संख्या नहीं बताई है, संख्या खाली वातज पित्तज और कफज त्रिविध वाला ही बताया है। शोध के कारण यानी निदान की बात करते हैं, देखिएगा पहले लिखा हुआ है ये, देखिएगा ये श्लोक हम यहाँ पे शुद्ध मतलब कि संशोधन के बाद अगर संशोधन का अपकर्म हो जाता है, अगर मिथ्या योग हो जाता है पंचकर्म का, तो उससे है ना, और क्या है कृष्य पवन विरेचन आदि संशोधन का व्यापत्ति, अगर उसका कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, अभक्त बहुत ज्यादा उपवास करने से भी लंघन करने से भी शोध हो जाता है, जो अधिक कृष और अबल हो गए, जो बहुत ज्यादा अगर लंघन उपवास कर रहे हैं भोजन नहीं कर रहे हैं तो वो कृष हो जाएंगे, और जो व्यक्ति क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण और गुरु अन्न का सेवन करते हैं, है ना। और आपको बता दें विषमाम प्रसूति, ये इंपॉर्टेंट है, अर्श रोग से पीड़ित, अर्शांश चेष्टा, अर्शांश अर्श से और अचेष्टा, चेष्टा न च, कोई चेष्टा नहीं करते हैं, याद रखिएगा चेष्टा न च सिर्फ प्रमेह का ही नहीं, वहां भी देखते हैं कोई चेष्टा नहीं करता प्रमेह हो जाता है, यहाँ भी जब कोई चेष्टा नहीं कर रहा है तो शोध का भी ये निदान है, याद रखिएगा। अर्श रोग से पीड़ित है, कोई चेष्टा नहीं करते हैं, आलस्य युक्त होकर रात दिन बैठे रहते हैं, है ना, कभी भी अपने शरीर की वमन विरेचन द्वारा आभ्यंतर शुद्धि या स्नान आदि द्वारा बाह्य शुद्धि नहीं करते हैं, जिनके मर्म स्थान में आघात लगा रहता है, और जिन स्त्रियों को विषम प्रसूति अर्थात दो चार एक साथ बच्चे मूढ़ गर्भ होकर उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, मूढ़ गर्भ हम लोग गायनी में पढ़ेंगे, चार प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार से अगर डिलीवरी हो जाती है, विषम रूप से प्रसव हो जाता है ना, तो वहां पे ये सभी शोध के कारण बताए हैं। और जो व्यक्ति वमनादि प्रत्येक कर्मों को अनुचित रूप से सेवन करते हैं, उनके शरीर में भी ये दोष प्रकृति होकर शोध का कारण बनते हैं। तो अर्शांश अचेष्टा, देह अशुद्धि, जो अपने शरीर का पंचकर्म द्वारा संशोधन चाहे बाह्य शुद्धि हो चाहे अभ्यंतर शुद्धि हो, मर्म पे वो घात लगने से, विषमाह प्रसूति, विषम रूप जो प्रसव हो जाता है उसमें, यहाँ पे उन्होंने मूढ़ गर्भ का उदाहरण दे दिया, मिथ्या उपचार, मिथ्या उपचार से प्रतिकर्मणा, यहाँ पंचकर्म के मिथ्या प्रयोग से है, ठीक है ना, निजस्य हेतु श्वेत प्रतिष्ठा, निजस्य मतलब दोष, निज यहाँ पे निज शोध का उदाहरण मतलब निदान बता रहे हैं, निज शब्द यह इंडिकेट करता है ये निज शोध यानी दोषों के प्रकोपित होने की बात कर रहे हैं, ये तो हुआ यहाँ पे आपका निज शोध के कारण। आगंतुज में क्या क्या होगा, देखिए यहाँ काष्ट अश्म मतलब लकड़ी से चोट लग जाए, पत्थर से चोट लग जाए, शस्त्र से लग जाए, अग्नि से लग जाए, विष से लग जाए, है ना, इन सभी कारणों से अगर आघात हो जा रहा है, ट्रॉमा हो जा रहा है, तो बाहरी त्वचा को प्रकोपित हुए दोष दूषित कर देते हैं। और निज शोध तीन प्रकार का होता है, तो ऊपर बताया था सर्वांग अर्धांग और एकांग, ये किसका बता रहे हैं, निज शोध का बता रहे हैं। आगंतुक यानी कि याद रखिएगा ये जो पहली लाइन है ये आगंतुक शोध के लिए है,
ठीक है ना। और जो ये वाला है जो भेद बता रहे हैं ये निज शोध के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो सातवां श्लोक है सेकंड हाफ वो निज शोध के भेद बता रहे हैं और फर्स्ट लाइन इज फॉर आगंतुक शोध, शोध की संप्राप्ति, ये हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए बच्चों को, ओवर हो जाएगा। और ये सभी चीजें वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, बस यहाँ पे क्विक रिविजन होगा। एक फटाफट हम आपको बता देते हैं, यूडीएस हमने आपको बताया था वो यहाँ आएगा पूर्व रूप के रूप में, ठीक है। यूडीएस क्या होता है, द्वयतु क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। शोध का सामान्य लक्षण सिरा तनुत्तम होता है ना, सिराड़ायाम जो अभी ऊपर आया था पूर्व रूप में, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फिर वादिक शोध का लक्षण प्रशाम्यति प्रोन्नति प्रपीड़ितो दीवाबली, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। असित मतलब कृष्ण वर्ण, अगर अ लग गया है तो असित मतलब अश्वेत मतलब कृष्ण वर्ण हो गया, तो ये सब चीजें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। पित्तज शोध भी जो होता है असित लिखा हुआ है, याद रखिएगा वादज और पित्तज दोनों में असित आया हुआ है, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं यहाँ पे विभिन्न आचार्य, यहाँ देखिए वातिक शोध को कार्डियक ओरिजिन लिखा हुआ है मैंने, पित्तज को इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिमा लिखा हुआ है, कफज शोध को लिखा है रीनल, ठीक है ना, एडिमा ऑफ रीनल और न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल मतलब देखा होगा बच्चों में क्वाशर कर मेरास्मस हो जाता है, वहां भी एक तरीके से हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है, माल न्यूट्रिशन है बच्चों में, तो वो भी कफज शोध को हम वहां पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है करण करण, के फॉर कफज, आर फॉर रीनल और एन फॉर न्यूट्रिशनल, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में काफी कुछ पढ़ा हुआ है और हमको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करना है। चिकित्सा सूत्र हमने आपको बताया था कि शोध का चिकित्सा सूत्र चैप्टर में बिल्कुल नीचे नीचे दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप भी अपने अगले पेज पे उसको ऊपर लिख लीजिएगा, क्योंकि 16 नंबर श्लोक बिल्कुल नीचे है, उसको नेक्स्ट पेज पे उसको लिख लीजिएगा हैंड रिटन। यही है निदान दोष ऋतु विपर्य, मतलब बल दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान दोष ऋतु के विपरीत आचरणों से शोध की चिकित्सा करनी चाहिए, शोध का चिकित्सा सिद्धांत है चरक। हम सब पढ़ाएंगे कल, सब आपको कल पढ़ाएंगे। शोध में पथ्य हमने आपको बताया वो यहाँ पे है, कफज शोध की चिकित्सा हमने आपको गोमूत्र हरित की बताया है ना, गोमूत्र हरित की हमने क्या लिखा है हरी गो मतलब हरित की और गोमूत्र हुआ ये कफज शोध में। ये त्रिकटु निशोथ और क्या त्रिव्रत आया था ना, इन सभी को त्रिफला रस के साथ में लौह भस्म में मिलाकर, वहां भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है, कफज शोध के लिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं और क्या आया है, अगर अतिसार हो रहा है तो क्या करते हैं, त्रिकटु सवर्चल मधु मिलाकर तक्र मिलाकर पान करना चाहिए, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा है। या हरित्की को सौंठ के साथ में गुड़ मिलाकर देना चाहिए, हरित्की नागर हरित्की गुड़ है ना, ये सभी चीजें हम लोगों ने भी पढ़ा है, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवाइज भी करेंगे। अगर विबंध हो जाएगा तो क्या करेंगे, एरंड तेल और मांस का प्रयोग करेंगे, है ना, अभी बताया था कि अगर विबंध हो जाएगा तब क्या करेंगे, एरंड तेल का प्रयोग बताया था। फिर यहाँ से योग स्टार्ट हो जाता है, गंडीराध्य रिष्ट अभी नाम लिया था, गंडीराध्य रिष्ट के बाद आता है आपका अष्टशतारिष्ट आता है, ठीक है ना, अष्टशतारिष्ट कफ वात शोध के लिए है। इस तरीके से सारे के सारे योग हम लोग बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में, जब शोध का सेकेंड पार्ट मुझे लगता है तीन पार्ट में खत्म हो, कि जो एक देशीय शोध है जो अलग से वर्णन किए गए हैं उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर वो लोग डायरेक्ट क्लास में जुड़ना चाहें तो मैसेज जरूर करें 9452674777 पर, आप डायरेक्ट क्लास में एंट्री ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर शोध पार्ट 2, थैंक यू।